गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टारगेट विलगेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप सब जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए टारगेट विल के साथ। एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चाहे आपका TGT है, PGT है, PRT है, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए जुड़ सकते हैं टारगेट विल के साथ। और आपके सभी यानी DSSSB, KVS, NVS आपका हो गया, BPSC, सभी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है आपके टारगेट विल यूट्यूब चैनल पर। एक बार जल्दी से बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कौन कौन आ गया है? आरती सिंह आ गई हैं, सुनीता सिंह, विनीता, आरती, प्रीति सिंह, नागेंद्र चौहान, वेरी गुड इवनिंग, प्रीति सिंह एडमायरिंग, प्रीति सिंह, प्रीति सिंह। चलिए हाँ, सभी लोग लाइक कर देंगे भाई, प्रीति सिंह कह रही हैं और मैं भी कह रही हूँ। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे और लाइक तो आप करते ही करते हैं। सकीना परवीन आ गई हैं, सुष्मिता, सुषमा, सुनीता सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ चुके हैं, सभी ठीक है। रश्मि आ गई हैं, सोनल हैं, एकता हैं, नेहा आ गई हैं, कुमारी नेहा, खुशबू, रितु, चलिए फरहत नाज, अच्छा फरहत नाज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आज मैंने कुछ क्या किया है, इसमें मिक्स क्वेश्चन डाले हैं, चाहे आपके करंट अफेयर के हों, चाहे आपके बिहार जीके के हों, चाहे आपके ज्योग्राफी के हों, ठीक है। तो मैंने सभी इसमें मिक्स क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। लाइक कर दिया है, अच्छी बात है भाई, लाइक कर दो सभी सेशन को, ठीक है। तो आज हमारे क्या है, मिक्स क्वेश्चन है। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। साजिदा, वेरी गुड इवनिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है आपका, क्या बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम जो है आपको पता है क्या है, एक आपका खनिज है ना, एटॉमिक मिनरल है आपका बेरिलियम। बिहार के किस राज्य में पाया जाता है, आपने बताना है, गया में, नवादा में, रोहतास में, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है जो बेरिलियम है वो बिहार के किस राज्य में पाया जाता है। एजाज भी आ गए हैं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। बेरिलियम जो कि एक आपका क्या है, एटॉमिक मिनरल है, वो कहाँ पाया जाता है, बिहार के किस राज्य में पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आज मैंने कुछ बिहार बिहार जीके के भी क्वेश्चंस लिए हैं, बिहार ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हैं। चलिए क्या होगा भाई, सेशन को एक बार लाइक कर देंगे सभी। चलिए फर्स्ट का आने लगा है, रश्मि कह रही हैं बी, एजाज वेरी गुड इवनिंग, शेयर भी कर दिया, चलो अच्छी बात है, शेयर भी कर दिया है तो अच्छा, पता नहीं है लेकिन तुक्का ए है, ठीक है प्रीति, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड इवनिंग भाई। रूबी भी आ गई हैं हमारे साथ, जुड़ गई हैं, नीरज, नीरज कह रहे हैं बी होगा मैम, देखते हैं भाई क्या होगा फर्स्ट का आंसर, फटाफट से करिए। हाँ जी बिल्कुल, सी नहीं होगा, नहीं सकीना सी नहीं होगा, ध्यान रखो, नहीं आरती बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, प्रीति नागर नहीं, क्या होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, नीरज तिवारी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ए होगा, गया होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, चाहे आपका बिहार से रिलेटेड हो, चाहे आपका मतलब ज्योग्राफी पढ़ें या हम बिहार जी के ज्योग्राफी पढ़ें, ठीक है। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन करा करेंगे अब हम, ठीक है। तो क्या होगा, गया होगा, और आपको पता है जो ये आपका क्या है, बेरिलियम है, ये एक आपका एटॉमिक मिनरल है, कैसा है, एटॉमिक मिनरल है, ठीक है मिनरल है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, निम्नलिखित में से आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो क्या है, सिंगी खम्बान कहा जाता है। यह आपका जो BPS जो आपकी SCERT वाली बुक है, जो बिहार वाली ज्योग्राफी की बुक है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, आपको बताना है और ऐसा कहा भी जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान कहा जाता है, जल्दी से बताइए, सिंधु को, सतलुज को, ब्रह्मपुत्र को, और मेकांग को, और गया को, जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको मैंने कराया है, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा कि किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान कहा जाता है, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। श्वेता वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से बताओ श्वेता क्या होगा सेकेंड का, सुष्मिता कह रही हैं सी, क्वेश्चन नंबर लिखो सुष्मिता, एजाज कह रहे हैं सी होगा मैम,
बी भी कह रहे हैं बच्चे, सी और बी, ए भी आ गया है। देखते हैं सेकंड का आंसर करिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? सी आ रहा है, बी भी आ रहा है, मेजोरिटी हमारी सी के साथ जा रही है आई थिंक। हाँ बाकी सकीना और एडमायरिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या होगा इन दो बच्चों का? ठीक है बाकी सभी का गलत है। क्या होगा? सिंधु होगा इसका आंसर। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, जो सिंधु नदी है उसको तिब्बत में सिंगी खम्बान कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब भी आपसे पूछ सकता है, आपकी बुक में दिया हुआ है। इसका मतलब होता है लॉयंस माउथ। क्या होता है? लॉयंस माउथ, लॉयंस माउथ। ठीक है, यानी कि शेर मुख। क्या होगा? शेर मुख इसका मतलब होता है। ठीक है, आपकी एस सी ई आर टी वाली बुक में दिया हुआ है। जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं, देखो रश्मि का भी ठीक है बिल्कुल, और वंदना का भी ठीक है, अहाना खान का भी ठीक है, कैफ का भी ठीक है, कैफी मुहिब। अच्छा ठीक है, चलो नए बच्चे हैं, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका? पंपास। ठीक है, पंपास घास का मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, आपने पढ़े होंगे ग्रासलैंड्स, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाए हैं, जितने बच्चे एप्लीकेशन पर हैं हमने ग्रासलैंड्स पढ़े हैं, तो आपको बताना है पंपास घास का मैदान जो है आपको बताना है कौन से देश में है? अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, या हंगरी में? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करिए। भारतीय, वेरी गुड इवनिंग भाई कातिया। चलिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर? थ्री का आने लगा है, सी भी आ रहा है, मिथुन भी आ गए हैं। चलिए सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, सेशन को भी लाइक कर देंगे जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। चलिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर? क्वेश्चन नंबर थ्री का गुड़िया, वेरी गुड इवनिंग। ए ए, मेजोरिटी जो है हमारी ए के साथ जा रही है, मेजोरिटी हमारी ए के साथ जा रही है। देख लेते हैं भाई इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का। बिल्कुल भाई, क्या होगा इसका आंसर? एक मिनट भाई, चलिए क्या होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, अर्जेंटीना होगा। बिल्कुल अर्जेंटीना होगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो ग्रासलैंड जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में भी है ना, आपका साउथ, आपके साउथ अफ्रीका में भी है, दक्षिण अफ्रीका में भी है, तो इनको किस किस नाम से जानते हैं आप मुझे बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल ए होगा सकीना। चलो मैं बता देती हूँ, करा है मैंने आपको क्लास में कराया है, तो आपका अर्जेंटीना कहा जाता है। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? डाउन्स। क्या कहा जाता है? डाउन्स। ठीक है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है वेल्ड। ठीक है, इसके बाद न्यूजीलैंड में कहा जाता है कैंटरबरी। क्या बोला जाता है? कैंटरबरी, कैंटरबरी। और आपका हंगरी में कहा जाता है पुस्ताज, पुस्ताज। क्या कहा जाता है? पुस्ताज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से ग्रास, कौन सी कंट्री में ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है चलिए, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। फोर क्या है आपका? ग्रहों को आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर फोर है, ग्रहों को उनकी परिक्रमा अवधि के आधार पर, ठीक है, परिक्रमा अवधि के आधार पर सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यानी अरेंज द प्लैनेट इन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर ऑर्बिटल पीरियड। ठीक है ना, जैसे उनका ऑर्बिट है उसी हिसाब से आपने अरेंज करना है। शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, और ये आपके नीचे क्या दे रखे हैं? कोड। तो आपको सही आंसर चुनना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर? हाँ वेरी गुड खुशबू, साउथ अफ्रीका वेल्ड होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड, आपको सभी याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या होगा? हाँ जी देखते हैं, सबसे पहले सही आंसर किसका आएगा क्वेश्चन नंबर फोर का? ध्यान से आपने इसको अरेंज करना है, इसके किसके अकॉर्डिंग? ऑर्बिटल पाथ के अकॉर्डिंग आपने अरेंज करना है। फोर्थ का आने लगा है, सुषमा कह रही हैं ए, अहाना खान भी कह रही हैं ए। अच्छा देखते हैं भाई फोर्थ का,
चलिए, परिक्रमा अवधि के आधार पर आपने सही आरोही क्रम में लगाना है इसे, ठीक है। कुमारी सुष्मिता कह रही हैं सी, और सुष्मिता कुमारी कह रही हैं ए। अच्छा देखते हैं भाई, सुषमा, अच्छा सुषमा है ऊपर और नीचे सुष्मिता है, ठीक है। कैफी मोहिब कह रहे हैं ए। चलिए मेजोरिटी ए के साथ ही जा रही है, दो चार बच्चे हैं। खुशबू तिवारी आपका गलत हो गया, ए ठीक है, बिल्कुल ए होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। आपने इसको किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना था, परिक्रमा अवधि के आधार पर सही आरोही क्रम में। तो आपको पता है सिंपल, लैंग्वेज को थोड़ा सा इतना टिपिकल कर दिया है, बस आपको क्या करना है, सीक्वेंस बताना था सिंपल। तो सीक्वेंस क्या है आपको पता है, पहले है मरकरी, फिर आपका आ जाएगा विनस, फिर आपका अर्थ है, फिर मार्स है, फिर आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट है, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है ना। तो ये सन हो गया जे सन, और इधर एम, एम बीच में वी, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये सही इसका क्या है, अरेंजमेंट है। तो आपसे पूछा है शुक्र पहले आ जाएगा, देखो यहाँ बृहस्पति, ये आपका शुक्र है ना, शुक्र, बृहस्पति आपका इधर है, बृहस्पति, ठीक है। ये आपका और क्या दे रखा है, पृथ्वी, और क्या दे रखा है आपका, मंगल, है ना, मंगल, ये आपका मंगल है, ठीक है। अब देखो अरेंजमेंट क्या है, पहले शुक्र आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन, पहला यानी फिर आपका ये गलत हो जाएगा ना, इन दोनों में से एक होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका आना चाहिए पृथ्वी, पृथ्वी आपका तीसरा है, तो ये वाला पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, पहला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और अगर इसी को आपको साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम में, कि जो फिफ्थ नंबर का बड़ा प्लेनेट है कौन सा है, तो आप बता देंगे इसका। अगर साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो सबसे बड़ा आपका जुपिटर है यानी बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर हिंदी में बोल रही हूँ मैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा अर्थ, फिर आपका आ जाएगा विनस, विनस को कहेंगे शुक्र, फिर इसके बाद आ जाएगा एम और एम, यानी कि मार्स और मरकरी। मरकरी आपका है स्मॉलेस्ट, मरकरी आपका सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे बड़ा आपका कौन सा है, जुपिटर है, सबसे बड़ा जुपिटर है। और अर्थ जो है आपका ये पांचवें नंबर का बड़ा प्लेनेट है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे रूबी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या है आपका, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है क्या है, निम्नलिखित में कथनों की जांच करें और सही कथन की पहचान करें। आपने सही कथन की पहचान करनी है, कौन सा सही है, ठीक है। कथन है क्या है, 24 घंटे के भीतर पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर में घूमती है, मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। इसके बाद है कथन बी, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट की आवश्यकता होती है, यानी कि 4 मिनट का समय लगता है। ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको आंसर करना है, हाँ जी। और आपको पता है कि इसकी जो पीडीएफ है, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ यूट्यूब पर, सभी की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टारगेटवेल एप्लीकेशन पर मिलेगी, हाँ जी। नीतू कुमारी हेलो भाई, फटाफट से आंसर करिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बिल्कुल रूबी कह रही है जेसन ईवीएम, बिल्कुल ईवीएम मशीन, जेसन ईवीएम मशीन, ये आपका क्या है, आपका साइज के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। प्रेमलता भी आ गई हैं, खुशबू तिवारी, अमीकुर रहमान कह रहे हैं ए होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, ये मैंने आपको एप्लीकेशन पे चैप्टर करा दिया है और समझा भी दिया है, तो गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जितने बच्चे एप्लीकेशन के हैं। कैफी मोहिब, विनीता, सीमा, सोनल सभी कह रहे हैं, सुषमा कुमारी, वंदना, चलिए बिल्कुल सभी बच्चे जो जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन वाले हैं, सभी सही कर रहे हैं, क्या होगा, ए होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो दोनों ही ऑप्शन आपको पता है, 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि 360 देशांतर घूम जाती है, बिल्कुल सही है। और 1 डिग्री, मैंने कल भी आपको बताया था, 1 डिग्री को पार करने में हमारी पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, बिल्कुल सही था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो कुछ आपके फैक्ट भी पूछे हुए हैं, जैसे मैंने कल ही आपको एग्जाम में, कल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे डाले थे, जैसे कि आपकी बीआरओ की स्थापना कब हुई, है ना, या फिर आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है एक्ट से रिलेटेड, तो आपको ये बताना है कि हाँ ऐसे कुछ मैंने फैक्ट डाले हैं, क्या है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया, आपको ये बताना है दूसरा कब लॉन्च किया गया, आप बताइए 1972 में, 80 में, 86 में, 88 में या 52 में, कौन से वर्ष में राष्ट्रीय वन नीति का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया,
यानी कि सेकंड एडिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया, आपने बताना है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन बताइए, पूछ सकता है आपसे। अच्छा अमिकुर आप एप्लीकेशन पर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपका सही था। ऐसा नहीं है कि बच्चे खुद से नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे, आपका सही था, ठीक है। चलिए लेकिन हाँ आप रेगुलर हैं, आते रहते हैं, पिछली दो तीन क्लास से मैं देख रही हूँ आपको। सिक्स का आंसर करिए, सिक्स का आंसर आने लगा है सी, 1986। रूबी कह रही हैं, वंदना भी कह रही हैं 86, आशिया अंजुम 86 कह रही हैं, बच्चे हमारे 86 कह रहे हैं। सी ऑप्शन यानी मेजॉरिटी जो है बिल्कुल सी के साथ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर, हाँ जी ए भी आ रहा है, देख लेते हैं। गजाला यास्मीन कह रही हैं ए होगा, नेहा भी ए कह रही हैं, और ये कौन बचा है, पुष्पम। वेरी गुड पुष्पम, बहुत अच्छे पुष्पम, वेल डन। क्या होगा इसका आंसर, पुष्पम ने तीन बार आंसर दिया है और तीनों बार सही है। एडमायरिंग करके जो बच्चा है इनका भी बिल्कुल ठीक है, पुष्पम और एडमायरिंग का ठीक है, बाकी सभी का गलत है। क्या होगा इसका आंसर, 1988 होगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा। सिक्स का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, सिक्स का आंसर डी होगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। लेकिन आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो फर्स्ट एडिशन था यानी कि पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था, तो पहला यानी फर्स्ट एडिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया, पहला संस्करण आपका 1952 में लॉन्च किया गया, पहला संस्करण यानी पहला एडिशन, ठीक है ना, याद रहेगा आपको, दोनों ईयर याद रखने हैं, फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पीहू सिंह मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू बिहू। चलो आप मुझसे शायद पहले पढ़ी हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। सेवन क्या है, देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका, आपको बताना है हिप्पोकैम्प, ठीक है, हिप्पोकैम्प जो है वो किस ग्रह का चंद्रमा है, ठीक है, आपको बताना है हिप्पोकैम्प इज मून ऑफ विच प्लैनेट, ठीक है, जुपिटर का है, नेपच्यून का है, यूरेनस का है, सैटर्न का है, नन ऑफ द अबव, यानी बृहस्पति का है, नेपच्यून का है, अरुण का है, शनि का है, या इनमें से कोई भी नहीं। हिप्पोकैम्प जो है एक चंद्रमा है, कौन से ग्रह का ये आपने बताना है। वेरी गुड, 1952, ठीक है, जो भी आपके मैं फैक्ट बता रही हूँ ना इनको इंपॉर्टेंट है नोट कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, आप टारगेट विल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहाँ से आपको डॉक नाम के फोल्डर से रेगुलर आपकी पीडीएफ अपलोड हो रही है, डेट वाइज आप आराम से वहाँ से ले सकते हैं। शहनाज, शहनाज बेगम 1988 कह रही हैं, अच्छा क्वेश्चन हो गया वो, अब आप करिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर। सबसे पहले आ गया है खुशबू तिवारी और प्रीति सिंह का, अच्छा आंसर करती हैं खुशबू, प्रीति सिंह भी, नेहा भी कह रही हैं ए, देखते हैं भाई ए आंसर आ रहा है बच्चों का ए, और एडमायरिंग जो बच्चा है वो बी कर रहे हैं, अभी इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया था इन्होंने, और एक क्या नाम है उनका रेगुलर बच्चा है वो मैं नाम भूल गई, क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर, हाँ जी क्या होगा इसका आंसर, सेवेंथ का आंसर क्या होगा, देखो मेजॉरिटी हमारी ए के साथ जारी है। अच्छा पीहू आप मुझसे वहां पढ़ी थी, लेकिन अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं टारगेट विल पर हूँ, ठीक है, हाँ चलिए क्या होगा इसका आंसर, बी बिल्कुल, ये कौन कौन है, नंद किशोर, वेरी गुड नंद किशोर, वेरी गुड, और पुष्पम, हाँ लास्ट अभी पुष्पम का बिल्कुल ठीक था, पुष्पम वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर, नेपच्यून होगा, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है, क्या होगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखना है हिप्पोकैम्प जो है एक चंद्रमा है, कौन से ग्रह का, कौन से ग्रह का है, नेपच्यून का। अच्छा अब ये जो हिप्पोकैम्प है ये कब खोजा गया, ये कब खोजा गया, तो आपको याद रखना है 1 जुलाई, कब जो खोजा गया, ये आपका 1 जुलाई को, 1 जुलाई सन 2013 को खोजा गया, ठीक है, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, हाँ हाँ चलिए तो क्या होगा इसको किसने खोजा था, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आप बताएंगे किसने, मार्क वॉल्टर ने, किसने, मार्क वॉल्टर ने, किसने, ठीक है हो गया वॉल्टर, ठीक है, तो आप याद रखेंगे किसने, मार्क वॉल्टर ने इन्हें, मार्क शो वॉल्टर या मार्क वॉल्टर ऐसे करके आप बोल सकते हैं, मार्क शो वॉल्टर कह दो या वॉल्टर कह दो, ठीक है, शो वॉल्टर इन्होंने खोजा था, ठीक है याद रहेगा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट क्या है आपका, शुद्ध ग्रह बेल्ट की स्थिति क्या है। अरे ये तो मैंने आपको बता दी थी, चलो कोई बात नहीं, मैंने अभी उपग्रह वाले जो वो ग्रह वाले जो अरेंजमेंट था उसमें बता दी थी, चलो कोई नहीं। शुद्ध ग्रह बेल्ट की स्थिति क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच, या फिर मंगल और बृहस्पति के बीच, यह नेपच्यून की कक्षाओं के पथ को घेरता है, या इसमें आपको बताना है शुद्र ग्रह बेल्ट की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है आपने बताना है। चलिए, बिटवीन द सन एंड अर्थ, या फिर आपका बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, या फिर इट्स अराउंड द ऑर्बिट पाथ ऑफ नेपच्यून। चलिए जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है इनमें से, स्टेटमेंट आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं, आंसर करिए। चलिए हाँ, मार्क शोवाल्टर सही होगा। समरीन कौन है ये, समरीन कमाल, समरीन कमाल पीजीटी के लिए भी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी क्वेश्चन मैंने इसके बहुत अच्छे लेवल के डाले हैं, ठीक है। चलिए हाँ, सोनल कुमारी को याद है, पुष्पम हमारी रेगुलर स्टूडेंट है और अच्छा आंसर करती हैं। चलिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर एट का आंसर करिए, एट का होगा हाँ, फटाफट से, बी आ रहा है, सी भी आ रहा है, नंद किशोर भी बहुत अच्छा आंसर करते हैं, पुष्पम कह रही हैं मंगल और जुपिटर, ठीक है आंसर दिया है। चलिए देखते हैं क्या होगा, सी, एक हिंदी और एक इंग्लिश, एट का आंसर बिल्कुल, मेजॉरिटी जो है सी के साथ जा रही है, लेकिन 60% सी के साथ हैं, तो 40% हमारे बी के साथ भी हैं। बी के साथ क्यों जा रहे हैं और सी के साथ, देखो बी में लिखा है आपका क्या, बी ऑप्शन में आपका लिखा है क्या, बी और सी दोनों सही हैं, ठीक है, जबकि आपका जो ये है ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा भाई, ये नेपच्यून की कक्षीय पथ को घेरा है, ये गलत है, सी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है आपका, ये मतलब ये जो सी स्टेटमेंट है ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा आपका, कि केवल बी ठीक है, ठीक है, और ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ, क्वेश्चन नंबर एट क्या है आपका, देखते हैं आप, देखो यहाँ मैंने आपको बोला ना कि कुछ आपके जो जनरल पेपर वाले हैं उसमें कुछ फैक्ट दे रखे हैं, तो ऐसे ही मैंने डाले भी हैं, क्या है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भाई आपसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा है तो आपसे ये भी पूछ सकता है, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आपका पास हुआ था, किस वर्ष पारित किया गया था, आप बताइए 1982 में, 86 में, 96 सॉरी 92 में, 96 में, 88 में, कब होगा आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, किस वर्ष पारित किया गया, आपको ये बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, फैक्ट है, आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल पुष्पा, हाँ वंदना ये देखो ध्यान से करो, गलती से भी गलत नहीं करना है, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ चुकी हो वंदना, एप्लीकेशन पे मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है, नहीं ये नहीं पढ़ाया आई थिंक, हाँ ये वाला रह गया अभी, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा दूंगी अभी जल्दी ही, आपका 3-4 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अनुराधा बिल्कुल वही, अनुराधा बिल्कुल, ठीक है चलिए आप आंसर करिए, मैं एक एक मिनट में आ रही हूँ। हाँ जी आंसर आ रहा है 1982 और 86 भी आ रहा है, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल 86 होगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपसे पूछा जा चुका है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है 1986 में ये पारित हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको बताना है रोहतास पठार, ठीक है, रोहतास पठार के दक्षिणी दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, जो रोहतास पठार है उसके दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में है, चूना पत्थर, कोयला, लोहा या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं,
टेंथ का आंसर करिए क्या होगा। बिल्कुल भाई, टीजीटी हिंदी वाले भी देख सकते हैं, आपको पता है आपके जनरल पेपर में आपका क्या बोलते हैं पूछा जाएगा, इस टाइप के आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है कविता झा, बिल्कुल देखो आपको सब्जेक्ट जो है आपका, जो भी टीजीटी हिंदी बता रही हैं आप, वो तो 80 मार्क्स का आएगा आपका, लेकिन जनरल पेपर भी तो आपने देना है ना, तो जनरल पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, रेहान भी आ गए हैं, अनुराधा, गीता पासवान, वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, 10 का आने लगा है। ए खुशबू कह रही है सी, चलो देखते हैं, मेजोरिटी जो है हमारी ए के साथ जा रही है। बिल्कुल भाई, 10th का ए ही होना चाहिए, वेरी गुड। आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपका, जो आपका रोहतास पठार है उसके दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है आपका चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 है आपका, ओडिशा में लोह अयस्क डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपने बताना है। तो उड़ीसा है उसमें लोह अयस्क कौन से जिले में स्थित है, मयूरभंज जिले में, या क्योंझर में, या आपका कोरापुट में, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। ये भी एक आपका किससे मिनरल से क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि जो उड़ीसा में लौह अयस्क है वो डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, नहीं राहुल मैं वहाँ नहीं पढ़ाती हूँ, मैं कहाँ पढ़ाती हूँ आपका क्या बोलते हैं टारगेट फिल एप्लीकेशन और यूट्यूब पर। ठीक है, हाँ अनुराधा बिल्कुल, ठीक है हाँ बिल्कुल, बिहार में है बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा इम्पोर्टेंट है रेहान, इसीलिए तो मैंने कहा बिहार से रिलेटेड है आपका, बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए इसीलिए मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है। आगे बताइए क्या होगा, उड़ीसा में जो आपका लोह अयस्क है डैश में कौन, मतलब कौन कौन से जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। अच्छा क्या बोलते हैं, साइंस में दोनों पढ़ने हैं, चलिए कोई बात नहीं भाई। चलिए क्या होगा, बिल्कुल देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, नहीं ए नहीं होगा, गलत है भाई, इसका आंसर होना चाहिए 11th, बच्चे हमारे ए के साथ जा रहे हैं और बी भी बोल रहे हैं, सी भी बोल रहे हैं, लेकिन इसका आंसर किसने सही दिया है, श्वेता ने, बिल्कुल श्वेता त्रिवेदी, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए, पुष्पम का भी बिल्कुल ठीक है, और हमारी पीहू सिंह जो है इनका भी बिल्कुल ठीक है। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, मोर देन वन, और आपका कैफी मोहिब का भी बिल्कुल ठीक है, 11th का होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि मयूरभंज और क्योंझर दोनों में ही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इन इंडिया द लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ बॉक्साइट इज फाउंड इन, आपको बताना है झारखंड में, उड़ीसा में, गुजरात में, मोर देन वन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए क्या होगा, देखो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था आपका, जो 26 आई थिंक अगस्त 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। हाँ जी, क्या होगा, वो झारखंड आ रहा है भाई और उड़ीसा भी आ रहा है, ए और बी, पीहू, देखते हैं पीहू क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल गीता पासवान, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही है अभी। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा, 12th का आंसर होना चाहिए, देखो 12th का आंसर बी है, बी है और बी ही है। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा भंडार है बॉक्साइट का। ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार भी कहाँ है, उड़ीसा में है, और सबसे बड़ा बॉक्साइट का प्रोडक्ट प्रोड्यूसर भी
सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी, प्रोड्यूसर ये तो हो गया भंडार। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी कौन है आपका, उड़ीसा ही है। मतलब पूरे भारत का लगभग आधे से अधिक प्रोडक्शन जो है आपका उड़ीसा ही करता है। क्या कितना परसेंट, 52%। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो आपका बॉक्साइड है, इसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, उड़ीसा में। और दूसरे नंबर पे अगर हम भंडार की बात करें, तो आपका आ जाएगा क्या, गुजरात। ठीक है, ये आपका है भंडार। हम यहाँ बात कर रहे हैं भंडार की, किसकी, भंडार की। और यहीं पर अगर हम बात करें प्रोडक्शन में, दूसरे नंबर पे कौन है, प्रोडक्शन में अगर मैं बात करूँ दूसरे नंबर पे कौन है, प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन है आपका, तीसरे पे है आपका गुजरात। ठीक है, याद रहेगा भाई, प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे है गुजरात, जबकि रिजर्वियर में यानी कि भंडार में आपका दूसरे नंबर पे है, याद रहेगा। और आधे से अधिक जो प्रोडक्शन है कौन सा स्टेट करता है आपका, उड़ीसा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन से राज्य में, उड़ीसा के कौन कौन से राज्य में बॉक्साइड का प्रोडक्शन किया जाता है, कौन कौन से राज्य में, मतलब कौन प्रोडक्शन नहीं, भंडार है, कौन कौन से राज्य में भंडार है आपके, चलिए कौन कौन से राज्य, जिले में, सॉरी, जिले में, कौन कौन से जिले में बॉक्साइड के भंडार हैं, कौन कौन से में है, उड़ीसा के कौन कौन से जिले में बॉक्साइड के भंडार हैं, तो आप बता देंगे कौन कौन से जिले में है आपका, कोरापुट और आपका कालाहांडी, कालाहांडी। ठीक है, इनमें क्या है आपके, बॉक्साइड के भंडार हैं ये इन दोनों जिलों में। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भाई स्क्रीनशॉट ले लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी ही। ठीक है ना, हाँ, वेरी गुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या है आपको बताना है, भारत में खनिजों से समृद्ध पठार, समृद्ध पठार डैश है, मतलब कौन से पठार में खनिज पाए जाते हैं, छोटा नागपुर का पठार, मैसूर का पठार, दक्कन का पठार, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। भारत में खनिजों से समृद्ध पठार कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, हाँ, कोरापुट और कालाहांडी। ठीक है, ये दोनों जिले जो हैं आपके उड़ीसा के हैं, जहाँ पर बॉक्साइट के भंडार हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया, चलो अभी ये करो, फिर मैं आपसे पूछूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करो, 13 का आंसर करेंगे। ठीक हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए, क्या होगा, फटाफट से। सकीना कह रही है सी, पीहू कह रही है डी, शिखर यादव कह रहे हैं छोटा नागपुर। हाँ बिल्कुल शिखर, मिथुन भी बिल्कुल, आहाना, आहाना आपका भी ठीक है, शिखर का भी ठीक है, मिथुन सभी का ठीक है। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा बिल्कुल, ये तो सभी को पता है, बचपन से आप पढ़ रहे हो। यहाँ पर मुझे ये पूछना था, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, कि जो बॉक्साइड है वो किसका अयस्क है, आप ये बताइए जल्दी से, बॉक्साइड किसका अयस्क है ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल भाई, हम वहाँ पढ़ाते थे, लेकिन अभी हम कहाँ हैं, टारगेटविल, टारगेटविल यूट्यूब चैनल पर हैं। नेहा कुमारी, नेहा कुमारी बिल्कुल। क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर तो आपने कर ही दिया है, लेकिन आप ये बताइए, सॉरी 12 का, 13 का भी हो गया, आप ये बताइए कि जो बॉक्साइड है वो किसका अयस्क है ये बताना है। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, आपके अगस्त वाले एग्जाम में पूछा था। वेरी गुड, क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल शिखर यादव बिल्कुल ठीक है आपका, अनुराधा बिल्कुल ठीक है, क्या होगा, रेहान आपका भी ठीक है, निधि प्रिया सभी का ठीक है, एल्युमिनियम का, ये भी आपको याद रखना है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है किसका, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने ज्यादातर आपके क्या बोलते हैं मिनरल से क्वेश्चंस डाले हैं, मिक्स क्वेश्चन है मतलब आपके आज ना। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका 13 भी। नेक्स्ट है आपका 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, कोरबा क्या है आपका, कोरबा कोयला क्षेत्र भारत के डैश राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है आपका कोरबा कोयला क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जो आपका कोरबा कोल फील्ड है वो कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, कौन से राज्य में है, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन इन द इंडियन स्टेट ऑफ डैश, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ वंदना, नेटवर्क इशू हो सकता है, चलिए क्या होगा 14th का आंसर, 14th का आंसर करिए फटाफट से। अंशु कुमारी, हाँ बिल्कुल ठीक है अंशु, न्याज कह रही हैं बी, नीतू कह रही हैं सी, सी और बी, अच्छा, और नीतू सी,
सुषमा कुमारी कह रही हैं सी और सकीना कह रही हैं मैम ए होगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से करो भाई क्या होगा इसका आंसर। झारखंड नहीं, शिखर यादव इस बार आपका गलत हो गया, सॉरी भाई इस बार आपका गलत हो गया, झारखंड नहीं होगा। ठीक है, गीता पासवान कह रही है मैं कोरबा में ही रहती हूँ। क्या बात है भाई, देखो कोरबा तक से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहां से वो लोग जुड़े भी हुए हैं। वेरी गुड भाई, चलो अच्छी बात है, अच्छा लगता है इतनी दूर दूर से बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल पर। तो कोरबा कोलफील्ड जो है आपका कहाँ पर है, भारत में, भारत में छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, आपको याद रखना है। ठीक है, एडमायरिंग आपका भी गलत हो गया। अब आपसे ये पूछ लेगा कि पश्चिम बंगाल में कौन सा कोलफील्ड है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, झारखंड में कौन सा है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में, बंगाल में है आपका रानीगंज। कौन सा है, रानीगंज, गंज, रानीगंज कोलफील्ड, रानीगंज, रानीगंज कोलफील्ड। ठीक है, और यहाँ पर आपका झारखंड में है आपका झरिया। कौन सा है, झरिया, झरिया कोलफील्ड, याद रहेगा कोल फील्ड। देखो बहुत आसान है, देखो झारखंड झरिया, झारखंड झरिया, पश्चिम बंगाल में रानी बैठी है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का आपका कोरबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड, आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 है आपका, भारत में एक प्रमुख लोह अयस्क बेल्ट है। ठीक है, मतलब डैश भारत में एक प्रमुख लोह अयस्क बेल्ट है, तो कौन सी है एक प्रमुख, भाई और भी हैं लेकिन प्रमुख पूछी है, इनमें से कौन सी प्रमुख है। ठीक है, प्रमुख आपकी लोह अयस्क बेल्ट, ठीक है, गुजरात राजस्थान बेल्ट है, उत्तर प्रदेश बिहार बेल्ट है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। 15th का आंसर करिए क्या होगा, 15th का आंसर करिए। अच्छा, ठीक है, एडमायरिंग, कोई बात नहीं, चलो बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। हाँ बिल्कुल सकीना, बिल्कुल रानीगंज कोलफील्ड होगा, बिल्कुल वेरी गुड। अच्छा, आपके पापा रानीगंज में ही रहते हैं रूबी, चलो अच्छी बात है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, फटाफट से करिए 15 का। कैफी मुहिब, 15 नंबर क्वेश्चन है, आपने शायद टाइपिंग में गलती हो गई, 16 कर रहे हैं आप। हेमंत कुमार ये नए बच्चे हैं, और हेमंत आपका गलत हो गया, नहीं ए नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, काजल शाह आपका भी गलत हो गया, नहीं ए नहीं होगा, क्या होगा, बिल्कुल सी होगा इसका आंसर। वेल डन, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल दो ही बच्चों का गलत है, बाकी सभी का ठीक है, क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है ना, किसका पूछा है, क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। 16th का आंसर करिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16th का। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए क्या होगा, क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। हाँ जी, जल्दी आंसर करिए भाई,
हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? सी, बिल्कुल भाई सी होगा, बिल्कुल सी होगा सभी का, ठीक है सी ही होना चाहिए, उड़ीसा होगा बिल्कुल। देखो कितना, यानी भारत में जो लगभग 90% जो क्रोमाइट का प्रोडक्शन करता है उड़ीसा ही करता है, ठीक है ना, तो आपको ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ मैंने सचिन अकेडमी छोड़ दी है अब्दुल, ठीक है, अभी मैं कहाँ हूँ, टारगेट पर एप्लीकेशन पर हूँ और टारगेट पर यूट्यूब पर हूँ। तो 90%, लगभग 90% प्रोडक्शन जो है क्रोमाइट का कौन करता है, उड़ीसा करता है। तो पहले नंबर पे आपका उड़ीसा है और दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कर्नाटक है क्रोमाइट का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 है आपका, आपको करना है सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको दे रखी है कुछ क्रांतियां और यहाँ पर दे रखे हैं उत्पाद, ठीक है, क्रांतियां और उत्पाद आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। गोल क्रांति आलू से रिलेटेड है, आपकी धूसर क्रांति उर्वरक से रिलेटेड है, आज ही मैंने एप्लीकेशन पर कराया है। चलिए, आपका नीली क्रांति किस रिलेटेड है, आपका पेयजल से रिलेटेड है, या फिर आपका पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है, गोल्डन फाइबर क्रांति आपकी जूट से रिलेटेड है। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, टारगेट विल अकेडमी, बिल्कुल। चलिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, खुशबू तिवारी का सबसे पहले आया है, देखते हैं खुशबू। न्यास भी सी कह रहे हैं, श्वेता आई थिंक सी लिखना चाह रही थी, वी टाइप हो गया, कोई बात नहीं। नीली क्रांति, रेहान कह रहे हैं ए, रेहान ध्यान से करो। अनुराधा, पुष्पम, मिथुन, पुष्प आपका पुष्पा, पुष्पम, आरती, हेमचंद्र, हेमचंद्र कह रहे हैं डी, हेमचंद्र नहीं, ध्यान से करो भाई, हेमचंद्र डी ठीक है आपका, सी हाँ बिल्कुल, अनुराधा सी गलत हो जाएगा बिल्कुल, हेमंत आपका, हेमंत कुमार सी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किससे होगा वंदना, वेरी गुड, आज ही हमने पढ़ा है किससे होगा, नीली क्रांति जो है आपकी, नीली क्रांति ये वाला जो है गलत है, ये पेयजल से नहीं है आपका, किससे रिलेटेड है ये, कि आपका फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, किससे, फिश के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है सी ऑप्शन आपका गलत है, तो नहीं वाला पूछा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 है आपका सिल्वर फाइबर क्रांति, ठीक है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है, यानी कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जूट है, कॉटन है आपका, कपास, या फिर आपका पोटैटो है, आलू, हेम्प है, या भांग है, एग है, या अंडा है, जल्दी से बताइए सिल्वर फाइबर क्रांति किससे रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल प्रीति सिंह, नीली क्रांति फिश से रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है बिल्कुल, ठीक है। हाँ मछली, चलिए पुष्पम, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, 18 का आने लगा है भाई, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है भाई, क्यों, ध्यान से करो बिल्कुल। मैं वंदना आपका ही देखना चाह रही थी कि आप क्या करोगी, सकीना बिल्कुल, आप दोनों का ठीक है, बुढ़िया रानी वेरी गुड, क्या होगा बिल्कुल, पुष्पम वेरी गुड, आशी अंजुम आपका गलत क्यों है, आप तो एप्लीकेशन पर हैं और आज ही मैंने, आई थिंक आपने क्लास नहीं ली है, हाँ आप क्लास में भी नहीं थी, क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा 18 का आंसर, क्या होगा 18 का आंसर बी होगा, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर आपसे सिल्वर फाइबर क्रांति पूछेगा तो आपको याद रखना है कपास से रिलेटेड है, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा सिल्वर क्रांति, खाली अगर सिल्वर क्रांति पूछेगा तो वो आपकी किससे रिलेटेड है, एग से, ठीक है ना, सिल्वर, सिल्वर रेवोल्यूशन, ठीक है, खाली अगर सिल्वर, सिल्वर रेवोल्यूशन पूछेगा तो आपको याद रखना है एग, और सिल्वर फाइबर क्रांति यानी कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन पूछेगा तो आपको याद रखना है किससे, कॉटन या कपास से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 है आपका, निम्नलिखित में से किसने कृषि में हरित क्रांति शब्द का शब्द गढ़ा था। अच्छा ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, जल्दी से बताओ, डॉक्टर विलियम ए गॉड ने, या नॉर्मन बरलॉग ने, या एम एच स्वामीनाथन ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने गढ़ा था। अच्छा
अब्दुल साजिद कह रहे हैं आपके पढ़ाने की वजह से आज हाई स्कूल के टीचर बना हूँ कांग्रेस ज्योग्राफी का। आपने जो पढ़ाया उसके लिए मैं जिंदगी भर अच्छा भारी रहूँगा भाई। थैंक यू सो मच, आपको सिलेक्शन मिला, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आते हैं क्लास में बताते हैं तो बहुत ही खुशी होती है कि भाई हमारे सिलेक्टेड, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल अब्दुल साजिद, थैंक यू सो मच। चलिए, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर? 19 का आंसर बताइए। देखो सिलेक्टेड हैं फिर भी आ रहे हैं क्लास में कि कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छा लगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर? कल भी क्लास में दो तीन बच्चे आए थे कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया है। 19 का सी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा है मैं तो आज, अभी भी जो एप्लीकेशन पर बताती हूँ पढ़ाती हूँ तो पुराने जो मैंने हैंड रोड में नोट, मतलब हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने लास्ट में पढ़ाए थे, अभी टाइम नहीं है तो उन्हीं से मैं पढ़ा रही हूँ, तो एज इट इज़ क्वेश्चन आए हुए हैं उससे। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर? ए। हाँ बच्चे सी की तरफ भी जा रहे हैं, भाई सी क्यों जा रहे हो? मैंने फादर नहीं पूछा है, मैंने कल ही बताया था आपको एम एस स्वामीनाथन नहीं, ये तो आपके फादर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में अगर कहेगा इंडिया में कौन फादर है तो एम एस स्वामीनाथन, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहेगा तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग, जबकि विलियम विलियम एस गॉड जो है ये इन्होंने हरित क्रांति शब्द जो है ये गढ़ा था, मतलब इन्होंने कॉइन किया था हरित क्रांति वर्ड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, आपको मैच करना है लिस्ट से भाई, इसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है कहीं से तो ये ट्रांसलेट नहीं हो सका, आपको बताना है। मैं पढ़ देती हूँ, विलियम एस गॉड, ठीक है, यहाँ पर लिखा है नॉर्मन बोरलॉग, यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन, यहाँ पर लिखा है दिलबाग सिंह अथवाल। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इसको मैच करना है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कॉइन द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन। ठीक है, आपको इससे मैच करना है कौन सा, लिस्ट लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए। अच्छा, काजल शाह कह रही है मैं भी आपसे ही पढ़ी थी और प्राइमरी की टीचर बनी हूँ। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन काजल, बहुत ही अच्छा लगता है कि जब अपने पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्टेड होते हैं कहीं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, क्या होगा आंसर? देखो सिलेक्शन के बाद भी बच्चे ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर? 20 का आंसर आने लगा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, इतना मिक्स आंसर क्यों? डी सी और बी, क्या बोलते हैं, ए भी आ रहा है, क्यों बी नहीं आया? बी भी कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? गीता पासवान कह रही हैं सी होगा, बाकी आशी अंजुम डी कह रही हैं। और ये तो भाई अभी तो मैंने कराया है पीछे वाला क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो आप सी डी, क्यों डी? मेजोरिटी जो है हमारी डी के साथ जा रही है, देख लेते हैं भाई मेजोरिटी सही है या गलत है। देखो अभी हम मैंने आपको बताया जो डॉक्टर विलियम एस गॉड हैं उन्होंने कॉइन की टर्म यानी कि हरित क्रांति शब्द का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, तो ए का हो जाएगा दूसरा। ए का दूसरा देखो इसमें भी है आपका, इसमें भी है और इसमें भी है, तो डी तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता था, डी तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता था, जो कि मेजोरिटी हमारी डी के साथ ही जा रही है। ठीक है ना, नए बच्चे जुड़ रहे हैं भाई, कमालुद्दीन कैफी मुहिब, ये तो पुराने हैं बीच, मतलब आज ही आए हैं लेकिन शुरू से जुड़े हुए हैं। चलिए, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ठीक है, अब नॉर्मन बोरलॉग मैंने आपको बताया था ये क्या है, हरित क्रांति के फादर हैं। ठीक है, हरित क्रांति के फादर हैं, तो आपका दूसरे का हो जाएगा पहला। दूसरे का पहला किस में दे रखा है भैया? आपका दूसरे ऑप्शन से ही आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन किसके फादर हैं भाई? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, तो आपसे देखो ये क्या हो जाएंगे आपके, फादर ऑफ वीट रेवोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्या है आपका, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि ग्रीनविच में सुबह कितने बजे होंगे? देखो एक क्वेश्चन मैंने कौन सा डाल दिया, ये आपका टाइम से, क्योंकि टाइम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो आप अगर एक एक क्वेश्चन रोज भी करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्या है, ग्रीनविच में सुबह, ग्रीनविच में समय सुबह 5 बजे है। ठीक है, यानी ग्रीनविच जो है आपकी, यानी 0 डिग्री देशांतर जो है उस पर सुबह के 5 बजे हैं, तो वह देशांतर क्या होगी जिस पर समय
सुबह 9 बज रहे होंगे, ठीक है, ये बताना है वो कौन सी देशांतर होगी जिसपे सुबह के 9 बज रहे होंगे, आपको ये बताना है। हाँ बिल्कुल अनुराधा, ठीक है। हाँ बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ, क्यों गलत हुआ मुझे नहीं पता। अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कम से कम मैंने आपको तीन ऑप्शन, देखो ये जो तीन ऑप्शन थे ना ऊपर वाले, ये तीनों ऑप्शन तो मैंने पिछले ही ऑप्शन में यहाँ बताए थे आपको तीनों, फिर भी आप बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, कम से कम 50% से भी ज्यादा बच्चों ने, ठीक है। आपको याद रखना है जो दिलबाग सिंह है ये किसके फादर हैं, ये आपको याद रखना है, वीट रेवोल्यूशन के फादर हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, रेगुलर जुड़ो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। चलिए 21 का कमालुद्दीन कह रहे हैं सी, रेहान कह रहे हैं ए, मधु यादव वेरी गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो मधु। चलिए काजल कह रही हैं ए, चलिए हाँ रेहान आपका सही था। चलिए मिथुन ने डिलीट कर दिया मैसेज, पता नहीं क्या था। सकीना परवीन ए कह रही हैं, मेजोरिटी हमारी ए के साथ चल रही है, लेकिन मिथुन सी कह रहे हैं, देखते हैं भाई मिथुन, ए हमारी मेजोरिटी कह रही है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जिसको भाई जिसको प्रैक्टिस होती है वो अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेता है। अच्छा ललित कह रहे हैं, सॉरी लैला, लैला खातून कह रही हैं कि मैम समझा दीजिए कैसे निकालते हैं। हाँ लैला मैंने कल भी कराए हैं क्वेश्चंस, आप कल वाली क्लास भी देखना, ठीक है। देखो क्या है कि आपका जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच का मतलब क्या है, आपका 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर यानी कि आपका जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम है, इस पर टाइम आपको दिया हुआ है कितना कितना दिया हुआ है, 5 बजे हैं सुबह के, 5 बजे हैं सुबह के, ठीक है, 5 बजे हैं सुबह के, 5 AM, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है कि देशांतर, वो कौन सी देशांतर होगी जिस पर सुबह के 9 बजेंगे, ठीक है। तो अब 5 यहाँ पर बजे हैं, और आपको पता है जब हम GMT से चलो तो क्या होगा, आप GMT से पूर्व में जो होता है टाइम को ऐड करते हैं, टाइम जो पूर्व में है ऐड होता है, और यहाँ पश्चिम में क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है यानी माइनस होता है। तो आप देख खुद सोच के देखो, जब सुबह के 5 बज रहे हैं और फिर आगे दिया है सुबह के 9, तो टाइम आगे की तरफ चल रहा होगा, इट मीन्स टाइम यहाँ कहीं होगा 9 बजे होंगे। अब ये नहीं पता कहाँ 9 बजे होंगे, आपसे पूछा है कौन से देशांतर पर 9 बजे होंगे, ठीक है ना, सुबह के 9 बज रहे होंगे, 9 AM, ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या है आप दोनों का, अगर निकालोगे तो 4 घंटे का डिफरेंस आएगा, ठीक है, 4 घंटे का डिफरेंस आएगा, 4 घंटे का, ठीक है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 4 घंटे का डिफरेंस कितना है आपका, 4 घंटे का डिफरेंस है। तो आपको ये भी पता है कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितना घूम जाती है, 1 घंटे में हमारी पृथ्वी घूम जाती है 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री घूमती है। तो 4 घंटे में कितना घूमेगी, तो 15 चौका 60 कितना हो जाएगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौका 60, भाई 4 घंटे है ना, तो 15 चौका 60 यानी 60 डिग्री घूम जाएगी। इट मीन्स 9 कहाँ बजे होंगे, जहाँ पर 60 कहाँ बजे होंगे, 60 डिग्री पर, कहाँ बजे होंगे, 60 डिग्री, और क्या होगा, ईस्ट होगा, ये भी आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि टाइम ऐड हो रहा है, टाइम ऐड हो रहा है तो ईस्ट होगा, ठीक है। अच्छा तबीयत ठीक नहीं है रश्मि, कोई बात नहीं, चलो रिकॉर्डेड देख लेना। तो क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 20, 21 का आंसर होगा 60 डिग्री। तो कहाँ है आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, जितने भी बच्चे ए कर रहे थे उनका बिल्कुल सही था। भाई क्या आप लोगों को, जो जिन बच्चों को नहीं आता था क्या उनको समझ में आया, अच्छा, कोई बात नहीं पीहू, चलो देख लिया आपने। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये अगेन आपका टाइम से क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, आपको बताना है। अब देखो ये भी ये टाइम का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरे तरीके का है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल अनुराधा, 60 डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो ये भी टाइम का ही है, लेकिन ये तरीका दूसरा है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है यदि 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, क्या लिखा है, 90 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है उस पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो आपको बताना है प्रधान मध्यान रेखा पर कितना समय होगा। अब देखो वहां पर आपने डिग्री निकाली थी,
है ना, और आपको समय गिवन था, यहाँ पर आपको डिग्री गिवन है और आपको समय निकालना है। क्या समय होगा? दोपहर के 12 बजेंगे, सुबह के 11 बजेंगे, 12 मध्याह्न रहेगा, या फिर आपका शाम के 6 बजेंगे या दोपहर के 2 बजेंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए क्या होगा। हाँ ठीक है, अनुराधा कह रही है समझ में आ गया, वेरी गुड भाई। सुषमा भी कह रही है कि समझ में आ गया, कोई बात नहीं मधु यादव। चलिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए भाई। सेशन को एक बार आप लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर ज़रूर करेंगे, और जो बच्चे जितने भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, आप लोगों का ही सपोर्ट है। क्या होगा? हेमचंद सिरोही कह रहे हैं डी, देखते हैं हेमचंद्र क्या आपका सही है। और कमालुद्दीन भी डी कह रहे हैं, सोनल कह रही हैं डी, अच्छा मेजोरिटी जो है वो डी के साथ ही चल रही है। शमीम भी डी कह रहे हैं, सकीना, रेहान, सुनीता सभी डी कह रहे हैं, मिथुन भी डी कह रहे हैं, 100% कह दिया मिथुन ने, तो चलो देख लेते हैं डी 100% ये वाला कह रहे हैं बच्चे हमारे, तो देख लेते हैं इसको। पहले क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, क्या है आपका? ये है आपका 0° GMT, 0° 0° देशांतर, यानी आपका जीएमटी हो जाएगा। और आपका क्या दिया है, पहले सबसे पहले जीएमटी को ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? अच्छा 22 को भी कह रही है नीतू, समझा दीजिए। बिल्कुल नीतू, सबसे पहले आपने 0° यानी 0° देशांतर यानी जीएमटी को आपने ड्रॉ कर दिया, जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है 90° पश्चिमी देशांतर। अब आपको पता है पश्चिम, पश्चिम कहाँ पर है? पश्चिम इस साइड में है, पूर्व आपका इस साइड में है, ठीक है। तो कौन सा है? 90° पश्चिमी देशांतर आपका कहाँ होगा? कहीं यहाँ पर होगा पश्चिम में, है ना, तो 90° 90° पश्चिम देशांतर, पश्चिम है तो आप इसे पश्चिम कर देंगे, ठीक है। इस पर टाइम दिया हुआ है 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जीएमटी पर कितना टाइम होगा, ये आपको बताना है। तो इसको निकालने के 4 स्टेप हैं, मैंने कई बार आपको बताए हैं। 4 स्टेप क्या हैं? सबसे पहले है देखो, इसको निकालने विद इन सेकेंड में भी इसको निकाल सकते हैं अगर आपको आता है, लेकिन मैं आपको सारे स्टेप बता देती हूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप गैप निकालते हैं, दोनों में गैप है आपका 90° का, ठीक है, 90° का। फिर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, तो 90 घूमने में 9 चौक 36 यानी 360 मिनट का समय लेंगी। फिर इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 360 को आप 60 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे। अब लास्ट स्टेप होता है टाइम निकालना, टाइम निकालना, ठीक है। तो टाइम आपका क्या होगा? यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप इसमें क्या, इसमें आप ऐड करेंगे 6 घंटे, तो कितना हो जाएगा? शाम के 6 बजे आपका आंसर आ जाएगा 6 PM, ठीक है, 6 PM यानी शाम के 6 बजे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ 100% मिथुन का बिल्कुल ठीक था, ठीक है, चलो अच्छी बात है, अटेंडेंस लगा दिया तो रेहान, लाइक करके अटेंडेंस लगा दी रेहान ने, गुड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, क्या है आपका? बिहार के किस जिले को रेशम नगरी कहा जाता है? देखो आज ज्योग्राफी आपके बिहार के काफी क्वेश्चन डाले हैं मैंने, ठीक है, बिहार ज्योग्राफी से भी हैं, जनरल जीके से भी हैं आपके बिहार के, जल्दी से बताइए क्या होगा। शिवम 16 से, 16 से आज आपका 14 हो गया 16 से, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा 23 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए क्या होगा। गौतम कह रहे हैं डी, देखते हैं गौतम क्या होगा। बिहार के किस जिले को क्या कहा जाता है? रेशम नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर रफत नाज कह रही हैं बी होगा, आशी अंजुम भी बी कह रही हैं, गुड़िया रानी भी हमारी बी कह रही हैं, श्वेता बी, चलिए देखते हैं 23 का जो आ रहा है बी आ रहा है, क्या बात है भाई सभी को। अच्छा मैम 12 + 6 कैसे होगा? कौन है भैया? अनुराधा, अनुराधा देखो अगर यहाँ पर आपका जो 12 बजे हुए दिख रहा, यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, 12 बज रहे हैं यहाँ पर, दोपहर के 12 बज रहे थे, तो दोपहर के 12 बजे में जब आप 6 घंटे ऐड करोगे, जो 6 घंटे आए थे ना, 6 घंटे जब ऐड करोगे, तो दोपहर के 12 में जब 6 घंटे आपने ऐड किए, तो 6 PM शाम के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्या होगा आंसर?
प्रीति सिंह, ज्योग्राफी तो चाहे आपका DSSS भी हो, KVS हो, आपका BPSC हो, NVS हो, सभी में जो ज्योग्राफी है या आपको जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ वो तो सभी में पूछे जाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल सकीना, वेरी गुड। क्या होगा? भागलपुर होगा। बहुत अच्छे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर? भागलपुर होगा। बिल्कुल सही है सभी का, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है, ठीक है। जनरल GK का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है बिहार, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी, ये मैंने आपको कराया है एप्लीकेशन पर, और मीठे पानी की क्या है? ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो झील है। झील कौन सी है, यानी इसको बोलते हैं क्या? इसको चापाकार झील भी बोलते हैं, चापाकार क्या बोलते हैं? चापाकार झील, ठीक है। ऑक्सबो तो भाई इंग्लिश में बोलते हैं ना, और हिंदी में देखो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर चालाकी खेलता है, क्या करता है, इंग्लिश के वर्ड को एज इट इज हिंदी में लिख देता है। तो ऑक्सबो लेक मतलब चापाकार झील, या फिर इसको आप कहते हैं गोखुर झील, क्या बोलते हैं? गोखुर झील, ठीक है, गोखुर झील। तो क्या लिखा है यहाँ पर? बिहार में एशिया की, देखो बिहार में है और पूरे एशिया की सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी और मीठे पानी की, ये भी आपको याद रखना है, मीठे पानी की है, मीठे पानी की एक गोखुर झील है, यानी ऑक्सबो लेक है। तो आपको बताना है कौन से, कौन सी झील है वो? कन्वर झील है या फिर अनुपम झील है आपकी, कुशेश्वर झील है, या फिर घोघा झील है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, हमने ये पढ़ा हुआ है। सुषमा कुमारी गलत हो गया, बी नहीं होगा सुषमा, बाकी हमारे सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल। भाई इतना तो हमें अपने बिहार के बारे में पता होना चाहिए कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी क्या है? गोखुर झील है हमारे हमारे बिहार में, ठीक है, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। पूरे एशिया की है, ध्यान रखना, पूरे एशिया की है, भारत की नहीं, पूरे एशिया की है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, बहुत ही आसान है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपको बताना है? पश्चिमी चंपारण, शिवहर, पटना, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बिहार का जिला कौन सा है आपको बताना है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। अच्छा, कुमारी निकुंज भी आ गई हैं, पल्लवी कुमारी करके इनका नाम है, कुमारी निकुंज भी ढूंढते ढूंढते आ गई हैं सचिन एकेडमी से यहाँ पर। चलो अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर? निकुंज। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर? वंदना आने लगा है भाई, मेजोरिटी हमारी, बिल्कुल ये तो सभी को पता होगा। क्या होगा इसका आंसर 25th का? 25th का आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल सभी का ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 25th का ए होगा, ठीक है, 25th का ए होगा, ठीक है। और आपका जो शिवहर है ये क्या है? आपका सबसे छोटा राज्य है, कौन सा है? स्मॉलेस्ट स्टेट है ये आपका, सबसे छोटा राज्य, या आप कह सकते हैं, सॉरी सबसे छोटा जिला, सॉरी जिला, सबसे छोटा जिला है ये आपका, ठीक है। और पटना जो है आपको पता है बिहार की राजधानी है, क्या है? राजधानी है ये, ठीक है, राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ क्या है आपका? अच्छा, टोटल कितने जिले हैं आपके बिहार में? तो आपको ये भी पता होगा कितने हैं, 38 जिले हैं, कितने हैं? 38 जिले हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या है आपका? काकोलत, कौन सा है आपका? काकोलत, काकोलत जो झरना है कहाँ स्थित है आपने बताना है? नवादा में, शिवहर में, पटना में, या इनमें से कोई, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। काकोलत झरना जो है, और ये जो झरना है ये भारत, सॉरी बिहार का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल भी है, क्या है ये आपका? बिहार का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, किसका हाईएस्ट वाटरफॉल है ये बिहार का, ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल है, तो आपको बताना है कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है ये बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिए। हाँ जी, 26 का आंसर, वेरी गुड रेहान, बहुत अच्छे। हाँ रूबी गिरधारी, गिरधारी बिल्कुल, आपका भी बिल्कुल ठीक है, ए होगा बिल्कुल। वंदना गुड़िया, कमालुद्दीन, नहीं आपका गलत हो गया, बी नहीं होगा कमालुद्दीन, याद रखो इसका आंसर होगा क्या? ए,
ठीक है, तो कहाँ स्थित है, नवादा में स्थित है, जो कि आपका बिहार का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, यानी कि सबसे ऊंचा झरना है, झरना या जलप्रपात कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो याद रहेगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 है, आपको बताना है बिहार का राज्य पुष्प क्या है, ठीक है, राज्य पुष्प आपको बताना है। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार, बिहार का स्टेट फ्लावर कौन सा है, स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार क्या होगा, गुलाब होगा, सूरजमुखी है, कचनार है, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। बिहार का राज्य पुष्प क्या है? ओहो, पल्लवी कुमारी कह रही है, टीआरई 2 में आपका 3-4 नंबर से रह गया। कोई बात नहीं पल्लवी, आपके पास सारे नोट्स हैं, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप यहाँ आओ प्रैक्टिस करो और इस बार दो, इस बार आपका 100% हो जाएगा, क्योंकि आपकी पहले से भी तैयारी है, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल रेहान, चलिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर, अफजाल भी आ गए हैं भाई, अफजाल कह रहे हैं बी, अच्छा, और मिथुन कह रहे हैं ई, रेहान कह रहे हैं ई, अच्छा सकीना कह रही हैं, अच्छा सी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, क्या होगा इसका आंसर, मैरी गोल्ड, गेंदे का फूल, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 का, हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल जितने बच्चे सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल है, क्या होगा इसका आंसर, कचनार होगा, क्या होगा, कचनार होगा, ठीक है, कचनार होगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 का करिए, क्या है आपका राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्या है, आपका वाल्मीकि, ठीक है ना, राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, बिहार के किस जिले में स्थित है, ठीक है ना, राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि क्या है आपका वाल्मीकि है, जो कि आपका एक टाइगर रिजर्व भी है, तो आपको बताना है कौन से जिले में स्थित है ये बताइए, ठीक है। हाँ बिल्कुल कचनार, ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण में, पटना में, मधुबनी में, सिवान में, या इनमें से कोई भी नहीं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, हाँ जी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, हाँ क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या बता रहे हैं आप, ए, मेजोरिटी हमारी ए के साथ जा रही है, बिल्कुल भाई मेजोरिटी बिल्कुल ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ए ही होगा, ए ही होगा, पश्चिमी चंपारण, याद रखना है कि जो राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका वाल्मीकि, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, तो वो क्या बोलते हैं कहाँ पर है, कौन से जिले में है आपका, पश्चिमी चंपारण में, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए भाई, ये किसी एग्जाम में पूछा गया, मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया, कचनार ही दिखा रहा था वहां पर, ठीक है ना, हाँ
मुसरत आप काफी लेट हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए। हाल ही में बिहार सरकार ने क्या ई संबंध पोर्टल, ये आपका करंट से क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है क्या आपका, कि हाल ही में बिहार सरकार ने ई संबंध पोर्टल लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है आपको बताना है। शिक्षा से, कृषि से, रोजगार से, पेंशन से, या इनमें से कोई भी नहीं, ये आपको बताना है। ई संबंध पोर्टल जो है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, बिहार में बिहार सरकार ने लॉन्च किया है, तो क्या होगा। भीमलाल, वेरी गुड इवनिंग भाई, आंसर करिए क्या होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, बिल्कुल क्या होगा। नहीं भाई, बी क्यों कर रहे हो भाई, बी बी ज्यादातर बच्चे बी कर रहे हैं, सी भी कर रहे हैं, मुसरत कह रही हैं सी होगा 29 का आंसर। मेजोरिटी हमारी बी के साथ जा रही है, मैं देखना चाह रही हूँ कोई एक आध बच्चा। अच्छा हाँ, नीतू का सही आ गया है बिल्कुल, अफजाल का भी बिल्कुल ठीक है, और रफत आपका गलत हो गया, और नहीं बी नहीं होगा, ठीक है बी नहीं होगा, कुछ ही बच्चों का ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, शिक्षा होगा, आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर से, ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है करंट अफेयर के, आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको याद रखना है, और एजुकेशन से रिलेटेड है तो ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 क्या है आपका, 30 आपको बताना है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में, ठीक है कब अप्रैल, ये भी आपका करंट से रिलेटेड है, मैंने आपको कहा कि मैंने करंट के क्वेश्चन भी डाले हैं, आपके बिहार के भी डाले हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है आपके जी बिहार जीके के भी हैं, बिहार ज्योग्राफी के भी हैं, ठीक है। चलिए क्या है आपसे पूछा गया है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर, ठीक है ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, कौन से राज्य ने जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनको ओबीसी की कैटेगरी में रखा है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, WASU करके एक बच्चा है, ठीक है पॉलिटी के भी क्वेश्चन ऐड करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ जी, 30 का आने लगा है, सी आ रहा है बच्चों का, बिल्कुल भाई सी होगा, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको अप्रैल 2023 में ओबीसी ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया है, तो आपको बताना है अब कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपको क्लास कैसी लगी, कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ऋषभ रंजन भी आ गए हैं, चलिए क्या होगा क्वेश्चन का, तो चलो आपने आंसर बता दिया, आप बताइए क्लास कैसी लगी, स्कोर कैसा रहा, और अब जो भी डाउट है अब आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 30 का एमपी होगा बिल्कुल। चलिए जल्दी से बताइए कैसा रहा आपका स्कोर और क्लास कैसी लगी। ट्वेंटी सेवन, एडमायरिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई,
बहुत अच्छा स्कोर है, 30 में से 27। और रेहान कह रहे हैं 21 में से 19। रेहान क्यों आप लेट क्यों आते हो रोज़, लेकिन अच्छा स्कोर है 19, बहुत अच्छा है। अनुराधा कह रही हैं थैंक यू सो मच मैम जी, थैंक यू भाई, चलिए वेलकम है। और 20, सुषमा कह रही हैं 20, 25, सोनल, रूबी कह रही हैं 28, बहुत अच्छा स्कोर है रूबी, चलिए 25, मिथुन अच्छा है स्कोर। और जो देखो जिसका अगर कम भी है ना तो कोई बात नहीं, अभी तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, जैसे आपका नीतू आपके 20 हैं 30 में से, तो कोई बात नहीं, कम कम आ रहा है कोई बात नहीं। संजू आपके भी 20 हैं, तो आप क्या करेंगे कि पीडीएफ को उठा के ना आप सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा आप अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, स्पीड से क्वेश्चन कर पाएंगे। सुनीता कह रही है 23, ठीक है लेकिन आपको रिविजन की ज़रूरत है, ठीक है। रेहान कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस सेशन, थैंक यू भाई, आपको अच्छा लगा ये। वंदना ज़बरदस्त क्लास लगी मैम, चलो अच्छी बात है। अच्छा आपका नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं आप बाद में देख लेना, ठीक है। 25 अच्छा है। खुशबू तिवारी अच्छा, खुशबू कह रही है सब झूठ बोल रहे हैं, अच्छा ऐसा है। अफजाल कह रहे हैं 9 में से 6 ठीक हुए हैं, अच्छा लेट आए हैं आप अफजाल, कोई बात नहीं। गुड़िया 26 अच्छा है गुड़िया, चलिए। अनुराधा कह रही है वेरी हेल्पफुल और एनर्जेटिक सेशन, थैंक यू भाई। और अंशु कुमारी, हमारी क्लास 7:30 बजे रोज़ होती है, और सारे पीडीएफ जितनी भी क्लासेस पीछे हुई हैं सभी के पीडीएफ आपको टारगेट विल एप्लीकेशन पर डॉक नाम का एक फोल्डर है वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने बता दिया भाई कहाँ पर मिलेंगे आपको, टारगेट विल एप्लीकेशन पर, आप उसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, फिर वहाँ पर आप उसमें देखना डॉक नाम का एक फोल्डर होगा वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मिथुन कह रहे हैं 27, हाँ बिल्कुल मिथुन मैं देख रही हूँ। चलिए मुसर्रत आप लेट आई थी आज, हाँ 7:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है, आप आ जाया करो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे कल की क्लास में, इसी तरीके से जुड़े रहो, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करते रहो, और अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा करने के लिए जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड आप तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं टारगेट वेल एप्लीकेशन पर, चाहे आपका TGT हो, PGT हो, PRD हो, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं टारगेट वेल एप्लीकेशन पर जुड़कर, ठीक है। चलिए चलिए मिलेंगे फिर कल दोबारा से इसी टाइम 7:30 बजे, 7:30 बजे आपकी रोज़ क्लास होती है, ठीक है। चलिए फिर रिवाइज कर लेना आप, PDF डाउनलोड कर लेना टारगेट फिल एप्लीकेशन से, ठीक है। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम। हाँ बिल्कुल अनुराधा, अगर किसी ने बैच नहीं भी लिया है तो भी आपको PDF मिलेगी, ऐसा ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जो आपकी YouTube वाली है, ठीक है।